ये सामान आके रेडी है। अभी मेरे को अब इसको अरेंज करना है। पता नहीं कितने घंटे या कितने दिन लगेगा। यहाँ का सामान जो अभी मुझे अभी फिलहाल नहीं लगेगा, उस सामान को मैंने यहाँ रखा है गाइस। ये कुछ भी नहीं है, और भी आने वाला है। सो अभी आज मेरा सामान, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे सामान अभी आ गए हैं। बहुत सारे नहीं, मतलब सब सामान आ गया है। जो मुझे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा वो सब मैंने यहाँ पे बालकनी में रखवाया है। अब से पता नहीं कितना देर लगेगा मुझे सब अरेंज करने में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अभी से स्टार्ट करूँगी तो शायद रात 12 बजे के एटलीस्ट मैं नेसेसिटी की चीज़ें कम्प्लीट करने के लिए। सो अब मैं स्टार्ट करूँगी अनपैक करना, एटलीस्ट किचन सेट करना स्टार्ट खाली हुआ है, बाकी तो ये देखिए। तो इतने सारे डब्बे बाकी हैं, धीरे धीरे करूँगी। बट किचन अगर कंप्लीट ना होना तो नहीं होगा, किचन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। आज मुझे जैसे भी वो बंगाली में जिसको कहते हैं ना आलू शिद्ध भात या दाल चावल आलू भाजी, जो भी हो मुझे खाना है, बट बाहर का खाना नहीं खाना है। इसलिए किचन तो मैं पूरा अरेंज करूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। सुबह से मेरा नहाना धोना कुछ नहीं हुआ, बिकॉज इतने गंदे काम करके फिर और मन नहीं करता पहले नहाने का। तो पहले उसी को कंप्लीट करूँगी, किचन कंप्लीट एटलीस्ट करना पड़ेगा, और बाकी जो बड़े बड़े फर्नीचर्स उन लोग तो असेंबल कर ही देंगे। ये पूरा सामान अभी आ चुका है, ये वाला पूरा भर गया, ये बालकनी मेरा पूरा ख़त्म है। टोटल 70-75 कार्टन्स उधर और भी है जो कि मैं नहीं दिखा सकती। टोटल 70-75 कार्टन्स है, एक्सक्लूडिंग मेरे डाइनिंग टेबल चेयर्स। मेरी जो मेट है देख के बोलते हैं इतना सामान है तो क्या करें, सामान है तो है। अब इसको करते करते पता नहीं, मैं ऑलरेडी मेरी सांस फूल रही है। एक डब्बा मैंने किया तो एक डब्बा खोलने में क्या होता है ना, किचन के दूसरे बार चीज़ें ठीक है आप ऐसे रख सकते हैं, बट किचन के जो सामान है ना सब धोना पड़ता है। मैं बाहर सिंक में हाफ बर्तन धो के जो बॉटल्स हैं वो सब धो के मैं बाहर रखी हूँ, और बाकी सारी चीज़ें अभी अरेंज करूँ। बिना धोए तो कुछ नहीं रख सकता, मतलब कम से कम मेरे को 5000 बर्तन शायद धोने हैं, 5000 कम से कम, मतलब मैं सब चम्मच वगैरह सबको मिला के बोल रही हूँ। यहाँ पे एकदम उजाला है बाहर, देखिए बिल्कुल उजाला है। तो ऑलमोस्ट हो गया है, या ऑलमोस्ट नहीं, ये देखिए ये मैं अभी बैठी हूँ यहाँ पे, क्रॉकरी सारे बबल रैपिंग में है। सो मैं थक चुकी हूँ, मैं यहाँ पे चेयर लेके बैठी हूँ, और अभी कांच के जो बर्तन हैं वो सबको मैं काट के सभी मतलब बबल्स को जो निकाल के उसको फिर मैं अरेंज कर रही हूँ। आज तो पूरी ख़त्म, पूरा ख़त्म है आज हाल। तो वही है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है चाय पी लूँ, बट किचन कंप्लीट करके मैं चाय पीऊँगी क्योंकि हाथ पैर बहुत। सो एनीवेज ये है, कुछ कुछ अरेंज हुआ है, वो डाइनिंग टेबल दिख रहा है। अच्छा मैं बाद में ही दिखाऊंगी आपको सब, पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद। सो दिस इज इट गाइस, अभी मैं करती हूँ धीरे धीरे, और क्या करूँ, इसलिए ना कल घूम ली थी पहले कि पहले घूम के आ जाऊँ उसके बाद, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। कल रात को पैकिंग मतलब थोड़ा सा किचन करते करते जस्ट 30% ही हुआ है, करते करते रात के 10:30-11 बज के उसके बाद फिर हम लोग सो गए। अभी फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर से जितने भी सब कार्टन्स हैं मतलब जिस जो असेंबल किए हुए करने वाले थे वो सब असेंबल हो चुका है, और जो ऐसे नॉर्मल कार्टन्स हैं जिनको खोलना है मतलब जैसे हमारे घर के स्टफ्स है कमोडिटीज़ है वो सबको आज हम लोग अनपैक करेंगे, क्योंकि आज ही के अंदर अनपैक करना है, नहीं तो फिर ये सब जो है कार्टन्स वगैरह ले जाने के लिए उन लोग आएंगे तो हम लोग को खाली करके रखना है। तो अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा।
सो गाइस, अभी सुबह के 12:15 बज रहे हैं, मतलब दोपहर होने को है। हम लोग का अभी भी अलमारी सब कुछ बाकी है, क्लोजेट पूरा बाकी है। टोटल 40-45 कार्टन्स हमने ख़त्म कर दिया है और अभी ये इतने बाकी हैं अभी भी। हियर एज वेल, ये तो मेरे ख्याल से एसी है। हाँ, ये तो एसी है, बाकी इतने सारे अभी भी बाकी हैं गाइस। पूरा यहाँ पे इतने सारे, और इतना सारा खाली हुआ है। ये जो कार्टन सब देख रहे हैं, ये सब खाली हुआ है। सो गाइस, इतने सारे कार्टन्स खाली हुए हैं और अभी इतने सारे बाकी हैं। और कल कुछ डिसमेंटल मतलब कुछ असेंबल करके गए हैं, मतलब सोचिए 75 कार्टन्स है टोटल। मतलब पता नहीं आज, बट आज पूरा ख़त्म करना ही है क्योंकि ये टेंशन है। मतलब ये सब क्लीन करना है, क्लीन करने वाले आएंगे। अभी टीवी इंस्टॉलेशन के लिए आया है, सो टीवी लगेगा। इतना सारा, बाप रे बाप, मतलब पूरा खराब हालत, पूरा खराब हो चुका। फाइनली कंप्लीट हो गया है। अभी शाम के बज रहे हैं 8, और सुबह 7 बजे से ये रात 8 बजे तक मैं जस्ट अभी नहाई हूँ। मैं नहाई हूँ, आधे घंटे हुए, मतलब 7 बजे तक, 7-7:30 बजे तक हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ। सो एवरीथिंग डन, मतलब जस्ट सेटअप करना हो गया है। अब डेकोरेशंस वगैरह, जो डेकोर है, होम डेकोर, ये सब हम लोग धीरे धीरे करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेस, अकॉर्डिंग टू द कलर, सब कुछ मैच करके। सो अभी तो फिलहाल हो गया है, तो आज मैं रूम टूर नहीं करवा रही हूँ। ये जो हाउस टूर है, ये मैं नेक्स्ट डे करूँगी बहुत अच्छे से। तो उसके लिए आपको वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सो आज वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। बहुत बहुत थक चुकी हूँ। सो अभी हम लोग डिनर करेंगे और सो जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत हालत बहुत खराब। सी यू टिल माई नेक्स्ट वीडियो।